तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसको आप सबने देखा भी होगा और उसका नाम भी सुना होगा। फिल्म बाहुबली की अभिनेत्री की कार से मिला शराब की बोतलों का जखीरा, ड्राइवर गिरफ्तार। निर्माता बासु भगनानी की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमिताभ बच्चन की हीरोइन रही दक्षिण की मशहूर अभिनेत्री राम्या कृष्णन एक नए विवाद में घिर गई हैं। जी टीवी उनकी जयललिता पर बनी सीरीज को प्रसारित करने की तैयारी कर रहा है कि इसी बीच खबर यह आ रही है कि उनकी एक गाड़ी को पुलिस ने करीब 100 बोतल शराब के साथ अपने कब्जे में ले लिया है। राम्या कृष्णन को नई पीढ़ी के लोग उनकी बहुचर्चित फिल्मों बाहुबली के लिए जानते हैं। फिल्म में उनका शिवगामी का रोल आपने नेटफ्लिक्स पर और टीवीज पर देखा भी होगा, लेकिन इस शोहरत पर बट्टा लगाने का काम उनके स्टाफ ने किया है। जिसे मिली जानकारी के मुताबिक चेन्नई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का आरोप है कि राम्या कृष्णन की कार से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। चेन्नई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राम्या कृष्णन की कार को पुलिस ने गुरुवार को चेकिंग के लिए रोका तो उसका ड्राइवर पुलिस से भिड़ने की सूरत में दिखा। इस पर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उस SUV की तलाशी ली। गाड़ी से 96 बोतलें शराब की बरामद हुई। घटना के वक्त राम्या कृष्णन की टोयोटा इनोवा कार TN07CQ0099 महावलीपुरम से चेन्नई आ रही थी। पुलिस ने बताया कि बरामद बोतलों में बियर और हार्ड लीकर दोनों शामिल हैं। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में राम्या के ड्राइवर सेल्वा कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कुछ स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक घटना के समय राम्या कृष्णन भी कार में मौजूद थी। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि राम्या अपनी बहन के साथ घटना की जानकारी मिलने के बाद थाने पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि राज्य में लॉकडाउन के प्रतिबंधों के मुताबिक शहर में शराब बेचना या लाना ले जाना प्रतिबंधित है। राम्या कृष्णन ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ड्राइवर को निजी कुछ लखे पर रिहा कर दिया है।